हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बना रहे हैं एक्सट्रीमली सिंपल जो हर किसी को आता है, जीरा आलू, पर मेरे तरीके से कि मुझे किस तरीके का पसंद है। कभी कभी ना बहुत सिंपल सी सब्जियां खाने के लिए हम तरस जाते हैं, जैसे दाल चावल बनाए तो मन करता है हाय बढ़िया से जीरा आलू होते ना तो मज़ा आ जाता। तो आज मैं वही जीरा आलू बना रही हूँ, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। सो बहुत तरीके से बनते हैं जीरा आलू, सिर्फ प्लेन सिंपल नमक और जीरे के साथ भी बनते हैं, पर मुझे थोड़ा सा चटोरे तो है ही हम मसालेदार पसंद है। सो ये मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ और इसमें उतना ही थोड़ा सा धनिया के बीज या कोरिएंडर सीड्स जो बोलते हैं, और इन्हें धीमी आँच पर भून लेंगे जब तक इन्हें अच्छे से भुन नहीं जाए और एक बढ़िया सी खुशबू ना आ जाए। सो इसे ना हल्का हल्का हिलाते हुए भूने धीमी आंच पे, वरना बड़ी जल्दी से ये जल जाते हैं खड़े मसाले। सो ये हम अच्छे से भून लेंगे जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाए। सो अगर आप सुन सकते हैं क्रैकलिंग की आवाज़ आ रही, टिक 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 टिक, ये अच्छे से भून चुके हैं और मैं इन्हें एक इसमें आम दस्ते में डाल देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद दरदरा कूट लूँगी। सो यहाँ पे अब मैंने पैन में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी दोनों मिक्स करके डाल दिया है और अब हमने इसे गरम कर लिया है बढ़िया से। मैं इसमें डाल देती हूँ साबुत जीरा और मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट हींग, जिसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता किसी रेसिपी में। अब डाल दूँगी मामूली सी हल्दी और ये गए मेरे उबले हुए आलू और इनको हम हल्का सा हिला लेते हैं। तो ये आलू डाल दिए, हल्दी डाल दी, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा कम ही नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे डालना है अपना फेवरेट सेंधा नमक या काला नमक, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा काला नमक, काफ़ी अच्छा फ्लेवर इससे भी आ जाता है। हिला लेते हैं हम इसे। आलू तो कुक है तो ज़्यादा इसको कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, बस वो फ्लेवर अब्जॉर्ब करे। थोड़ी देर के लिए मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक होने देती हूँ। 2 मिनट मैंने कुक कर लिया था और यहाँ पे वो मसाला मैंने पाउडर कर लिया है, तो हल्का सा इसे दरदरा ही रखना है, बहुत एकदम बारीक ना कूटे। काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आ गई है पाउडर डालने की, तो अपने टेस्ट के अनुसार आप ये पाउडर मिला लें। ये देखिए कितना बढ़िया सा रंग आ गया है, खुशबू इतनी मस्त आ रही है। और गैस कर देती हूँ मैं बंद। अब मैं अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट, ये कुछ मैंने अदरक के लच्छे काट रखे हैं वो डाल रही हूँ और ये पुदीना। आप चाहें तो पुदीने की जगह धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। पुदीना ये है डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है और गैस ना बने इसलिए मैंने पुदीना यूज़ किया है। और ये हल्का सा काली मिर्च, क्योंकि इस टाइम हम सिर्फ घर पर बैठे हैं, ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज वॉक और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो गैस बनने के बहुत आसान है। तो ये काली मिर्च और पुदीना इसलिए कि बिल्कुल भी गैस ना बने। ये देखिए मिनटों में बन गई, अगर आलू उबाल के रखे हो ना तो ये मिनटों में बन जाती है जीरा आलू की सब्ज़ी। ये मेरे स्टाइल में जैसे मुझे पसंद है, खूब सारे अदरक और मिंट लीव्स के साथ। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।